हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल रमत इलेक्ट्रिकल में। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको 150 के ट्रे में 100 mm का रिड्यूसर बना करके दिखाएंगे। इससे पहले मैंने 225 का ट्रे में साइड रिड्यूसर बनाया है 100 mm का, और ये 150 का रिड्यूसर, 150 के ट्रे में मैं 100 mm का रिड्यूसर बनाऊंगा। तो इसका मार्किंग हम सीखेंगे आज, कैसे हम मार्किंग करते हैं, इसका मेजरमेंट कैसे लेते हैं और कटिंग कैसे करते हैं, फिर इसको हम बाइंड करके आपको इसका साइज भी मेजरमेंट करके दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो में बने रहिए शुरू से आखिर तक, बिल्कुल भी स्किप ना करें। और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दें। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो ये देखिए फ्रेंड, ये हमारा 150 का ट्रे है, 150 × 50 mm, और अगर सेंटी में देखेंगे तो हमारा 15 सेंटी आता है, ठीक है। तो इसमें हमको बनाना है साइड रिड्यूसर, जो कि इस तरफ से हमारा 100 mm रहेगा यानी कि 10 सेंटी, और इस तरफ से हम 5 सेंटी यानी कि 50 mm इसको माइनस कर देंगे। तो देखिए, सबसे सिंपल तरीका से आपको हम सिखाएंगे मार्किंग करना। मार्किंग करने के तरीके बहुत है, समझाने के भी तरीके बहुत हैं, लेकिन हम आपको सबसे आसानी तरीके से आपको समझाएंगे। तो ये देखिए, आपको 150 का ट्रे है हमारा, और हमको बनाना है 100 mm यानी कि 10 सेंटी का रिड्यूसर। तो यहाँ से देखिए फ्रेंड, यहाँ से आप 20 सेंटी या 21 सेंटी, यहाँ से हम एक निशान लगा देंगे। ये देखिए, ये हमने सिर्फ दूरी इसलिए रखा है कि हमको ये 15 सेंटी का ये कपलर आगे का हिस्सा चाहिए हमको रिड्यूसर बन करके, ठीक है। तो इसलिए हमने 20 सेंटी लिया है। तो हम क्या करेंगे, ये हमारा 100 mm का हमको रिड्यूसर बनाना है यानी कि 10 सेंटी। तो हम क्या करेंगे, आप यहाँ से निशान लगा दें आपको जितना का भी रिड्यूसर चाहिए। तो ये देखिए, ये हमारा 10 पे है, हमको 10 सेंटी का रिड्यूसर बनाना है। ये सेंटर पे हमने निशान लगा दिया, ये देखिए यहाँ पे एक निशान आप यहाँ पे लगा दें, ये हमने यहाँ पे लगा दिया। उसके बाद ये राइट एंगल से आपको ये सीधा मार्किंग कर लेना है। तो ये देखिए फ्रेंड, ये हमारा मार्किंग हो गया है। ये आपका जो है रिड्यूसर, ये 100 mm का, ये इस तरफ निकल गया है ना। उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो हमने निशान लगाया यहाँ पे, यहाँ से आपको 8 सेंटी ले लेना है। आप 7 सेंटी भी ले सकते हैं, 9 सेंटी भी ले सकते हैं, कम बेसी आप इसमें कर सकते हैं। तो हम यहाँ से 8 सेंटी लेंगे यानी कि 80 mm। यहाँ पे हमने एक निशान लगा दिया। उसके बाद यहाँ से आप यहाँ पे राइट एंगल से इसको मार्किंग कर दें। तो ये मार्किंग हो चुका हमारा। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से हमने 8 सेंटी रखा था, तो यहाँ से भी आपको 8 सेंटी आगे मार्किंग करना है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ से फिर हम 8 सेंटी पे निशान लगाएंगे। ये देखिए, 8 सेंटी हमने यहाँ पे निशान लगा दिया यहाँ से यहाँ। और उसके बाद क्या करना है आपको, ये आपको यहाँ से यहाँ तक पूरा मार्किंग कर देना है। ये आपका कटिंग हो जाएगा। उसके बाद आप क्या करें, उसके बाद आप यहाँ से 15 सेंटी लें, जैसे कि हमको 15 सेंटी का हमको बनाना था ये आगे का हिस्सा, ये रिड्यूसर बन करके यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक हमको 15 सेंटी चाहिए। तो आप ये कोने से यहाँ तक मार्किंग करेंगे जहाँ पर आपका 15 सेंटी आएगा। तो 15 सेंटी यहाँ पे आ रहा है हमारा, तो यहाँ पे हमने निशान लगा दिया। और ये आप यहाँ से पूरा इसको निशान लगा दे राइट एंगल से। तो ये हमारा मार्किंग हो गया, ये हमारा 100 mm का रिड्यूसर यानी कि 10 सेंटी का, ये रिड्यूसर का मार्किंग हो चुका, ठीक है। अब आपको एक यहाँ से फिर यहाँ पे निशान लगाना है, जैसे हमने यहाँ पे यहाँ से 15 सेंटी यहाँ पे लिया, वैसे ही आपको सेम यहाँ से 15 सेंटी यहाँ पे लेना है। तो यहाँ पे एक मार्किंग कर दे 15 सेंटी पे। तो ये देखिए मार्किंग हो गया, इसको भी जैसे मैंने ये मार्किंग किया वैसे ही मार्किंग कर ले। तो ये मार्किंग हो चुका। तो ये देखिए फ्रेंड, यहाँ से आपको ये पूरा यहाँ तक कटिंग कर देना है, ठीक है। और ये वाला आपका यहाँ से यहाँ तक ये कटिंग हो जाएगा, और ये वाला जो देख रहे हैं ये आखिर तक यहाँ तक कटिंग होगा। तो ये आपको समझ में आ जाना चाहिए, ये जो हम कटिंग करेंगे, ठीक है, ये इसके ऊपर आ जाएगा। और ये जो देख रहे हैं 15 सेंटी, और ये जो 15 सेंटी हमने यहाँ से यहाँ लिया, ये कटिंग जब होगा ये इसके ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये पूरा कटिंग करना है, इस तरफ आ जाइए, यहाँ से आप यहाँ पूरा मार्किंग कर दें। ये देखिए, ये पूरा काट करके आपको निकाल देना है, ठीक है। और ये जो हमने मार्किंग किया यहाँ पे, आपको इधर भी कटिंग करना है। तो इस तरीके से निशान लगा दें, यहाँ भी इस तरीके से निशान लगा दें,
तरफ आ जाएं, यहाँ से यहाँ तक काट दें आप, और ये वाला जो हमने मार्किंग किया यहाँ पे इस तरीके से भी बना दिया, ये आपका भी कटिंग हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक कटिंग हो जाएगा, ये मार्किंग कंप्लीट हो गया है आपका। इस तरीके से आपको मार्किंग करना है, सिंपल तरीके से, इतना आसानी तरीके से हमने आपको समझाया है। और ये जो देख रहे हैं बाकी का हिस्सा, ये हम यहाँ से यहाँ काटेंगे, तो ये वाला हिस्सा जो है यहाँ से जब हम यहाँ काटेंगे तो ये पूरा काट करके इसको निकाल देना है आपको, ठीक है। तो ये हमारा मार्किंग हो गया दोस्तों, तो अब चलिए हम इसको कटिंग करेंगे, कटिंग करके भी आपको दिखाएंगे, और उसके बाद इसको हम रूपिंग बोल्ट डाल करके टाइट करके भी दिखाएंगे। और ये जो हमारा 100 mm का रेड्यूसर है इसको हम मेज़रमेंट करके भी दिखाएंगे। तो वीडियो में बने रहिए और वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देख सकते हैं फ्रेंड, ये हमारा कटिंग हो चुका है, ठीक है। इसको भी हम कटिंग करेंगे, तो सबसे पहले इसको हम बैंड करेंगे। तो इसको बैंड करने से पहले हम आपको बता देते हैं कि हम इसको कैसे बैंड करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड, ये जो हमने यहाँ से 8 cm यहाँ पे लिया था, और यहाँ से हमने 8 cm यहाँ पे मार्किंग किया है, तो ये जो 8 cm है ये हमारा 8 cm यहाँ पे बैठ जाएगा, इसके ऊपर आ जाएगा। इसमें हम रूपिंग बोल्ट डाल करके इसको टाइट कर देंगे। और यहाँ से हमने 15 cm यहाँ पे लिया था, सेम यहाँ से हमने 15 cm यहाँ पे लिया और इसको कटिंग कर दिया। ये हमारा कट के बाहर निकल गया, ये वाला जो हिस्सा है इसके ऊपर आ जाएगा, ठीक है। ये जो 15 cm हमने लिया ये इसके ऊपर बैठ जाएगा, फिर इसमें रूपिंग बोल्ट डाल करके इसको हम टाइट कर देंगे। बाकी का ये जो हिस्सा देख रहे हैं आप, यहाँ से हमने जो मार्किंग किया, ये देखिए इधर से भी हमने मार्किंग कर दिया है, ये हमने आपको दिखाया नहीं था पहले, तो ये भी पूरा कट जाएगा, ठीक है। ये सब पूरा कट के निकल जाएगा, है ना। तो इधर भी देख लीजिए आप, इधर भी आपको ऐसे ही कटिंग करना है। ये देखिए यहाँ पे आपको भी कटिंग करना है, ये जब इधर मुड़ेगा तो ये भी कटिंग करना ज़रूरी है, नहीं तो नहीं मुड़ेगा। और ये वाला आई कट आपको मार देना है, ठीक है। तो चलिए इसको मोड़ करके रूपिंग बोल्ट डाल करके आपको दिखाते हैं, तो वीडियो में बने रहिए। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो देख सकते हैं फ्रेंड, ये हमारा रेड्यूसर बन करके तैयार हो गया है। ये देखिए, ये हमने पूरा रूपिंग बोल्ट डाल करके इसको पूरा फिक्स कर दिया है ना। तो इसी तरीके से आपको पूरा ये बैठा करके, ये जो हमने कटिंग किया इसके ऊपर चढ़ा करके आपको रूपिंग बोल्ट डाल करके टाइट कर लेना है। और ये देखिए, इसका भी हम मेजरमेंट करके आपको दिखाएंगे, ये हमारा 10 cm का रेड्यूसर बना है कि नहीं। तो देख सकते हैं ये हमारा 10 cm का रेड्यूसर बन गया है ना, ये मेज़रमेंट आप देख लीजिए, 10 cm का हमने बनाया था, तो 10 cm का रेड्यूसर बन गया है। तो कैसा लगा वीडियो फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।